Welcome to the chapter number 22. It's Friday. We are talking about the novel Robinson Crusoe. इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 21 में पढ़ा कि रॉबिन्सन के आइलैंड पर जहाँ पर वो रह रहा था वहाँ पर बहुत सारे विजिटर्स आते हैं और वो सारे विजिटर्स कैनिबल्स होते हैं। तो वो ये सोचता है कि अगर जो कैनिबल्स लोगों को वहाँ पर मारने के लिए आते हैं वो उनमें से कोई एक प्रिजनर को बचा लेगा तो उसके साथ में एटलीस्ट कोई तो होगा जिसके साथ में वो बात कर पाए। तो देखते हैं आगे क्या हुआ स्टोरी में। दिस चैप्टर नंबर 22, दैट्स फ्राइडे, लेट्स बिगिन। द प्रिजनर इज रनिंग डायरेक्टली टू माई ट्री। अब प्रिजनर भाग कर, जैसे कैनिबल्स लेकर आए थे वो भाग कर मेरे पेड़ की तरफ ही आ रहा था। बट ही डजंट सी मी, लेकिन उसने मुझे नहीं देख पाया। आई डोंट मूव, मैं वहाँ से नहीं हिलता। देन ही रन्स अराउंड मी, आई एम स्टिल बिहाइंड द ट्री। और वो मेरे आसपास में भागने लगता है और अभी भी मैं पेड़ के पीछे छुपा हुआ हूँ। वेन द फर्स्ट कैनिबल रन्स क्लोज टू मी, जब पहला कैनिबल्स उसका पीछा करते हुए प्रिजनर के वो मेरे पास में आता है, आई जंप फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, तो मैं पेड़ के पीछे से छलांग लगा देता हूँ। ही शॉक्ड, वो शॉक्ड हो जाता है। आई शूट हिम, और मैं उसे शूट कर देता हूँ। द सेकेंड कैनिबल सीज दिस, और ये दूसरा कैनिबल जो उसके पीछे आ रहा था वो देख लेता है। ही ट्राइज टू शूट एन एरो एट मी, और वो मुझ पर तीर से हमला करने ही वाला होता है। आई हैव टू शूट हिम टू, और तो मुझे उसे भी गोली मारनी पड़ती है। द प्रिजनर स्टॉप्स व्हेन ही हियर्स द गन, और जब बंदूक की आवाज़ वो प्रिजनर सुनता है तो वो रुक जाता है। ही टर्न्स एंड ही स्केयर्ड, वो पीछे मुड़ता है और वो अभी डरा हुआ है। आई स्माइल एट हिम, आई शो हिम दैट्स इट इज़ ओके टू कम क्लोजर, तो मैं उसको देखकर मुस्कुराता हूँ और उसे ये मैसेज देता हूँ कि कोई बात नहीं, वो मेरे पास में आ सकता है। He comes to me, वो मेरे पास आता है। He goes down to his knees, और वो अपने पैरों पर बैठ जाता है। He puts his head on the ground, और वो अपने सर को ज़मीन से लगा देता है। Then he takes my foot, और फिर वो मेरे पैर को छूता है। He puts my foot on his head, और वो मेरे पैर को उठाकर अपने सर पर रख लेता है। I show him that he can stand up, और मैं उसको बोलता हूँ कि वो खड़ा हो सकता है। He stands up, वो खड़ा होता है। He looks at the dead cannibal, और वो दोनों cannibal जिनको मैंने गोली मार दी थी उनको देखता है। He goes to their bodies, और वो उनके पास में जाता है। He looks at the holes in their bodies, और उनकी बॉडी में जो बंदूक की गोली से घाव हुए थे वो उनको देखता है। He probably can't understand why the cannibals are dead, और उसे ये समझ में नहीं आता कि ये जो घाव हैं वो कैसे आए और वो कैसे मर गए। It is unbelievable for him. हो सकता है उसके पहले उसने कभी गनशॉट नहीं देखा हो और ये उसके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल था। He takes the arrow from the dead man. उनके पास में जो तीर थे वो ले लेता है। We take the bodies of the cannibals, और हम बल्स की बॉडीज को ले जाते हैं। We hide the bodies in the forest near, और हम उन दोनों की बॉडी को पास के जंगल में ही छुपा देते हैं। We go to the deeper forest, फिर हम गहरे जंगल में चले जाते हैं। I take the man to my cave, मैं उस आदमी को अपनी गुफा तक ले आता हूँ। The cave is my secret, और ये जो गुफा है वो मेरा secret है जिसे मेरे अलावा कोई नहीं जानता। Nobody can find us here, और कोई भी हमें यहाँ पर ढूंढ नहीं पाएगा क्योंकि जो cave है वो deep down जंगल में है। I gave him bread, meat and some water, मैं उसे खाने के लिए bread, meat और water देता हूँ। He is very tired, बहुत थका हुआ है वो। He sleeps immediately, और वो इतना थका हुआ था कि वो तुरंत से सो जाता है। I have an opportunity to look at him, अब मेरे पास में एक मौका था कि मैं एक्चुअल में वो देखूँ कि ये जो आदमी भाग कर आया है prisoner, वो दिखता कैसा है। I see that he is young, slim but very strong, और मैं ये देखता हूँ कि वो बहुत कम उम्र का है, स्लिम भी है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। आई थिंक दैट ही इज़ अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड, और तकरीबन उसकी जो एज होगी वो 25 ईयर्स के लगभग होगा। ही हैज़ लॉन्ग ब्लैक हेयर, उसके काले लंबे बाल हैं, डार्क स्किन है और अच्छा सा देखने वाला फेस है। आई लेट हिम स्लीप एंड गो आउटसाइड, मैं उसे सोने देता हूँ और मैं बाहर चला जाता हूँ। आई सिट नियर द केव, मैं गुफा के पास में बैठता हूँ। एंड आई वॉच द स्पेस अराउंड द केव, और गुफा के पास में जो स्पेस होता है मैं उसे देखता हूँ। सम कैनिबल्स कैन कम एंड लुक फॉर अस बट दे डोंट कम, और मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि
अपने साथियों को ढूंढते हुए या फिर उस प्रिजनर को ढूंढते हुए कुछ और भी जो कैनिबल्स हैं यहाँ पर ज़रूर आएंगे, लेकिन कोई नहीं आता। 3 घंटे के बाद में द मैन कम्स आउट ऑफ द केव, वो आदमी की नींद खुलती है और वो गुफा के बाहर आता है। ही शोज़ मी हाउ हैप्पी ही इज़, वो मुझे ये बताता है कि वो कितना खुश है, दैट ही इज़ अलाइव एंड सेफ, कि वो जिंदा बच गया है और वो सेफ भी है। आई स्पीक टू हिम, आई गिव हिम अ नेम, मैं उससे बात करता हूँ और मैं उसे एक नाम देता हूँ। हिज नेम इज़ फ्राइडे बिकॉज इट्स फ्राइडे टूडे, तो मैं उसे फ्राइडे नाम देता हूँ, उसका नाम फ्राइडे रख देता हूँ क्योंकि आज फ्राइडे का ही दिन है। आई टेल हिम माई नेम एंड आई टीच हिम यस एंड नो, मैं उसे अपना नाम बताता हूँ और मैं उसे यस और नो बोलना सिखाता हूँ। वी स्टे इन द केव एट नाइट, हम रात में गुफा में ही रुकते हैं। द नेक्स्ट डे वी गो ऑन द टॉप ऑफ द हिल, और फिर अगले दिन हम पहाड़ी के ऊपर जाते हैं। आई सी थ्रू माई टेलीस्कोप दैट द कैनोइज आर गॉन, फिर मैं अपनी दूरबीन से देखता हूँ कि जो कैनिबल्स की नाव थी वो अब नहीं है। वी आर अलोन ऑन द आइलैंड, अब हम आइलैंड पर अकेले हैं। वी गो केयरफुली टू द बीच फर्स्ट, वी गो टू द प्लेस वेयर द बॉडीज ऑफ द डेड कैनिबल्स, हम ध्यान से बीच पर जाते हैं और फिर जाते हैं जो डेड बॉडी कैनिबल्स की हमने छुपा कर रखी थी वहाँ पर। देन वी फाइंड दैम, फ्राइडे वॉन्ट्स टू ईट दैम, वो बॉडीज हमें मिल जाती हैं और फ्राइडे चाहता है कि वो उनको खा ले। आई एम एंग्री, आई शो टू फ्राइडे दैट इट इज़ नॉट गुड टू ईट दैम, तो मुझे ये सुनकर ये देखकर गुस्सा आता है और मैं उसको बोलता हूँ कि ये अच्छा नहीं है इंसानों का मांस खाना। हेयर आई अंडरस्टैंड दैट फ्राइडे इज़ ऑल्सो अ कैनिबल, तो फिर मुझे ये समझ में आता है कि जो फ्राइडे है वो भी एक कैनिबल ही है। वी बरी द कैनिबल्स, तो हम दोनों कैनिबल्स को जिनको हमने मारा था उनको दफना देते हैं। वी वॉक टू द बीच, फिर हम बीच पर जाते हैं। वॉट वी सी इज़ हॉरेबल, और जो भी हम वहाँ पर देखते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। देर आर ह्यूमन बोन्स ऑन द सैंड, वहाँ पर इंसानों की हड्डियाँ थी। द सैंड इज़ रेड विद ब्लड, और हड्डियों के साथ साथ में जो सैंड का कलर था वो भी लाल हो गया था खून की वजह से। वी कलेक्ट ऑल द बॉडी पार्ट्स, हम सभी बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं। वी प्रिपेयर अ बिग फायर, और फिर हम उसे जला देते हैं। आई वॉन्ट टू बर्न द बॉडी पार्ट्स इन द फायर, और मैं मेरा ये मानना है कि मैं कोई भी नामो निशान इस बॉडी का यहाँ पर ना छोड़ूँ, इसीलिए मैं उसमें आग लगा देता हूँ। वी गो टू माई हाउस, आई मेक अ लिटिल टेंट फॉर फ्राइडे, अब हम अपने घर पर वापस आते हैं और मैं फ्राइडे के लिए एक छोटा सा टेंट और बनाता हूँ। द टेंट इज़ बिटवीन द टू फेंसेस विच आर अराउंड माई हाउस, मेरे घर के पास में जो फेंसेस हैं, दो फेंसेस, उनके बीच में मैं उसका घर बना देता हूँ। आई एम अ लिटिल स्केयर्ड, आई डोंट नो इफ फ्राइडे कैन हर्ट मी, और मुझे डर भी लग रहा है, मुझे ऐसा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि शायद कहीं फ्राइडे मुझे नुकसान पहुँचा सकता है, ऐसा मेरे दिमाग में है। आफ्टर सम टाइम आई सी दैट आई डोंट हैव टू बी स्केयर्ड, लेकिन कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद में फिर मुझे ये एहसास हो जाता है कि अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है फ्राइडे से। फ्राइडे इज़ अ वेरी गुड मैन, फ्राइडे एक बहुत अच्छा आदमी है। ही इज़ लाइक अ सन एंड आई एम लाइक अ फादर फॉर हिम, और वो मुझे एज अ फादर फिगर लेता है और मुझे उसमें अपना बेटा दिखाई देता है। इन मैनी सिचुएशन लेटर He shows me that he wants to give his life for me, और बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब वो मुझे समय समय पर ये प्रूव करता है कि वो मुझे अपनी लाइफ को डिवोट कर चुका है। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव फ्राइडे ऑन द आइलैंड, और मैं फ्राइडे के साथ में आइलैंड पर बहुत खुश हूँ, मैं खुश हूँ कि वो मेरे साथ है। आई बिगिन टू टीच हिम, और फिर मैं उसकी शिक्षा दीक्षा स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं उसे सिखाने लगता हूँ। आई टीच हिम वॉट ही नीड्स टू नो अबाउट लाइफ लाइक अ यूरोपियन, और फिर मैं उसको यूरोपियन की लाइफ के बारे में सिखाता हूँ। फर्स्ट आई टीच हिम सम न्यू वर्ड्स, पहले तो मैं उसे कुछ नए शब्द बताता हूँ, सिखाता हूँ। आई स्टार्ट विद हाई, हेलो, बाय, थैंक यू, इन शब्दों को मैं जब उसे सिखा देता हूँ। इट इज़ नॉट ईजी एट द बिगनिंग, शुरू में तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं उसके लिए, बट आई एम पेशेंट, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पेशेंट रखता हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ दैट आई कैन स्पीक टू समबडी, कि मैं अब किसी से यहाँ पर बात कर सकता हूँ, रियल पर्सन मेरे सामने है विद होम आई कैन टॉक। सो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। क्या होता है इसके आगे, अब हम इसके अगले चैप्टर में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये नॉवल के चैप्टर्स आपको पसंद आ रहे हैं, तो लाइक द वीडियो, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और आगे ऐसे ही स्टोरी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो. सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद मी. आई विल सी यू लेटर. बाय बाय.